जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन सब की उम्र देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा पीक पीरियड था मेरे करियर का, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम किया था, जिससे मुझे शोहरत मिली, आइडेंटिटी मिली, पहचान मिली, उस जमाने में, उस एरा में आप में से कोई भी पैदा ही नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने अपना करियर शुरू किया इन द ईयर 1972। फिल्म थी परिचय और उसके डायरेक्टर थे गुलजार साहब। मेरी जो फैमिली थी वो बहुत ही नॉन फिल्मी फैमिली थी, एंड आई एम श्योर आप में से भी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप ही की तरह मेरी भी एक फैमिली थी। जिस तरह आप लोग एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसी तरह मैं भी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को आउटसाइडर ना समझें। हर आदमी आउटसाइडर होता है, उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आता है, अपने आप को प्रूव करता है, हिट होता है और वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। तो 1972 में एक फिल्म बन रही थी परिचय। परिचय की कास्टिंग चल रही थी और गुलजार भाई उस फिल्म में एक जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए एक बच्चा ढूंढ रहे थे। और उस जमाने में 1972 में इतना ऑर्गेनाइज नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री जैसे आजकल है। तो हेलो सर, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। टीम प्लीज सर की हेल्प करें। कैसे हो गया, अपने आप हो गया? हो गया। तो आप स्टार्टिंग से बोलो। थोड़ा सा वो अपना। तो आ गई थी एक छोटी सी रुकावट यहाँ पर, म्यूट अनम्यूट थोड़ा सा टेक्निकल झोल हो गया था। तो फिर से मैं शुरू करता हूँ, जिन लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मेरा नाम है राजू श्रेष्ठा और मैं मास्टर राजू के नाम से मशहूर था जब मैं बहुत छोटा था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबकी चेहरा देखकर मैं उम्र का अंदाजा लगा सकता हूं कि जब मैं मास्टर राजू हुआ करता था तब आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं अपने बारे में अपना एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि यू गेट एन बेटर आइडिया कि मैं कौन हूँ और जो आज आपकी मास्टर क्लास ले रहा है उसने पहले क्या क्या किया है। तो 1972 से मैंने अपना करियर शुरू किया, उसमें उस वक्त आप में से कोई भी पैदा भी नहीं हुआ। 1972 में मैं शूट कर रहा था एक फिल्म थी परिचय जो रिलीज हुई 1973 में। गुलजार भाई एक फिल्म बना रहे थे परिचय, और परिचय के लिए वो एक बच्चे को ढूंढ रहे थे, बच्चे की तलाश थी जो फिल्म में सबसे छोटा बच्चा होता है, और वो बच्चा उन्हें मिल नहीं रहा था। फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जितनी आजकल है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स और ये सब कुछ जमाने में नहीं होता था। सब जान पहचान में कास्टिंग हो जाती थी, जान पहचान में काम होता था। तो जितने जान पहचान के बच्चे थे गुलजार भाई ने देख लिया, मगर गुलजार भाई को पसंद नहीं आया कोई भी बच्चा। तो फिर उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर्स जो होते हैं, जो क्राउड में लोगों को भेजते हैं पार्टी सीक्वेंस और फाइट सीक्वेंस वगैरह के लिए, जैसे आप देखते हैं ना पीछे भीड़ होती है, तो वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। तो जूनियर आर्टिस्ट के अपने सप्लायर्स होते हैं, तो जूनियर आर्टिस्ट के जो सप्लायर्स होते हैं उनको भी बोला गुलजार भाई ने, उन्होंने भी अपने जो जूनियर आर्टिस्ट जितने बच्चे थे वो दिखा दिए, उनमें से भी गुलजार भाई को कुछ पसंद नहीं आया। तो जिस एरिया में एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर रहता था उस इलाके में मैं भी रहता था। तो उस जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर ने मेरे फादर से पूछा कि क्या आप अपने बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री में डालना चाहेंगे। मेरे फादर थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी माँ थी टीचर,
तो बेसिकली ये कि मैं नॉन फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से भी हर कोई नॉन फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और एक्टर बनना चाहता है, तो अपने आप को आउटसाइडर मत समझना। आप एंटर करोगे, ट्रेनिंग लोगे, हिट हो जाओगे तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाओगे। तो कोई बाहर का नहीं होता, वन हिट एंड यू आर इनसाइड द फिल्म इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने तो मना कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे को एक्टिंग करवाने में, इतना छोटा बच्चा है, ये है। तो उस जूनियर आर्ट सप्लाई ने थोड़ा सा पेस्टर किया मेरे फादर के, चलो चलते हैं बांद्रा जाएंगे, घूम फिर के आएंगे संडे को, और अगर बच्चे की कास्टिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो घूम फिर कर वापस। अब मैं रहता था साउथ बॉम्बे में उस जमाने में, और वहां से बांद्रा मतलब अदर एंड ऑफ द सिटी, मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का, थक गया था गुलजार भाई के घर तक पहुंचते पहुंचते। और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं और सब प्रिपेयर होकर आए हैं, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं थक गया था, मुझे घर जाना था। गुलजार भाई जब मेरे पास आए, मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैं रोने लग गया। और हम सबको लगा कि अरे ये तो बच्चा रोने लग गया, अब तो कास्टिंग होनी नहीं है। हम लोग सब लोग मुंह लटका कर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद फिर से हमें कॉल आया गुलजार भाई के ऑफिस से कि गुलजार भाई मुझसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं। मेरी सेकेंड मीटिंग हुई गुलजार भाई के साथ, और जब उन्होंने मुझे फाइनल किया कि मुझे यही बच्चा चाहिए, मैं इसी को कास्ट करना चाहता हूं, उनका कहना यह था कि उनको एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो बच्चा हो, ओवर स्मार्ट ना हो, ओवर प्रिपेयर्ड ना हो। उन्होंने कहा था एक अच्छा घड़ा है, इसे मैं अपने तरीके से मोल्ड करूंगा। सो दैट इज हाउ आई गॉट परिचय। तो गेटिंग योर फर्स्ट फिल्म, गेटिंग योर फर्स्ट ब्रेक इज जस्ट अ कॉल अवे। तो बिल्कुल अपने आप को बनाए रखो, डटे रहो, और एक कॉल आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। परिचय जो मेरी फिल्म थी वो हो गई थी सुपर हिट, सिल्वर जुबली हुई थी, और उस फिल्म में मेरा एक सीन था केशव मुखर्जी के साथ, जिसमें वो हमको ABCD सिखा रहा है। तो वो कहता है जे फॉर जग और के फॉर, तो मैं कहता हूँ करना है, और मैं सुसु कर देता हूँ। तो वो सीन बहुत पसंद आया था लोगों को कि के फॉर करना है, वो आज भी YouTube पे आपको मिल जाएगा वो सीन। तो वो सीन अप्रिशिएट हुआ था, उसमें लोगों ने मुझे पसंद किया था, और परिचय सिल्वर जुबली थी। उसके बाद मुझे फिल्में मिलनी शुरू हो गई, फिर मैंने दाग और 5 Rifles और पता नहीं कितने, मैंने आई हैव एक्टेड इन मोर देन 250 फिल्म्स। मेरी एक फिल्म थी चितचोर जो 1977 में रिलीज हुई थी, चितचोर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। फिर 1978 में किताब नाम की मेरी एक फिल्म आई थी जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की थी, उसके लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर बड़े होने के बाद में भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, सलमान खान के साथ मैंने बागी फिल्म की, साथी फिल्म की मैंने महेश भट्ट जी के साथ, गोविंदा के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, खुददार, साजन चले ससुराल, और भी की कुमारा, और भी की जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। फिर मैंने अनाड़ी मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म थी, वेंकटेश करिश्मा कपूर, खुददार में मैंने विलन का रोल किया था, ब्लैक फ्राइडे में मैंने एक नेगेटिव रोल किया था जो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी। तो बड़े होने के बाद में भी मैं काम करता रहा। फिर मैंने टेलीविजन किया, सबसे पहले बहुत सारा मैं टेलीविजन करता आया, लेकिन जो मुझे बड़ी पहचान मिली टेलीविजन की, एक मेरा सीरियल आता था जय हनुमान, उसमें मैं नारद का रोल करता था। वो नारद का रोल इतना पसंद आया लोगों को कि उस जमाने में जितनी भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स बनती थी उसमें नारद मैं ही होता था। सो आई हैव एक्टेड इन आई थिंक मे बी 1500 एपिसोड्स ओनली एज नारद, और उसके अलावा जो मैंने जितने एपिसोड्स किए आई थिंक 3000 से ज्यादा ही एपिसोड्स मेरे हुए होंगे ऑन डिफरेंट चैनल्स। तो वो नारद से मुझे पहचान मिली, फिर एक सेकेंड इनिंग शुरू हुई, फिर मैं टेलीविजन करता रहा, फिल्में करता रहा, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। सब टीवी पर मेरा एक सीरियल चल रहा है जिद्दी दिल माने ना, वो इस वक्त ऑन एयर है। अभी भी मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, आज जो आपका लाइव जो मैं ये लेने आया, इसके पहले भी मैं फ्यूचर स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, वो शूटिंग खत्म करके मैं आया हूँ यहाँ पर आप लोगों का लाइव सेशन लेने के लिए। अब बात करते हैं एक्टिंग की। शूटिंग से रिलेटेड हमको कई बार मुंबई से बाहर जाना होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेरा इवेंट्स का काम है तो इवेंट्स से रिलेटेड मैं कई जगह से कई बार मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह मैं
एक्टिव हो, तो मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें एक्टर बनना। हर इवेंट में, हर आउटडोर, हर शूटिंग में कहीं ना कहीं जाऊं, एक बंदा तो मुझे ऐसा मिलता ही है जो मुझसे ये कहता है कि उसे एक्टर बनना है। अब जैसे मैं ये सवाल सुनता हूं, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि एक्टर क्यों बनना है, और इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास होता नहीं है कि एक्टर क्यों बनना है। सीधा उनका पहले हमको बहुत शौक है एक्टर बनने का, हमको भी टीवी पे दिखना है। तो ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई हॉबी नहीं है, ये प्रोफेशन है, ये पैशन है। तो ये मुझे बहुत शौक है स्क्रीन पर दिखने का, तो भाई मुझे भी शौक है गाना गाने का, लेकिन मैं इतना बुरा गाना गाता हूं कि मेरे खुद के परिवार वाले, मेरे जो मेरे खास दोस्त है, वो भी मेरे गाने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैं इतना बेसुरा हूं। लेकिन मुझे शौक है गाना गाने का, तो मैं क्या करूं, मैं लोगों को तो टॉर्चर नहीं कर सकता। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूं, तो मैंने सिंगिंग छोड़ दी। उसी तरह अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आपने अगर अपनी एक्टिंग पर काम किया है, आपने एक्टिंग सीखी है, जैसे ये जॉइंट फिल्म्स का ये ऐप है, इसका आपने कोर्स लिया है, या जो लोगों ने नहीं भी लिया है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि इस ऐप पर आए, यहां से आकर सीखे, या कोई अच्छा मेंटोर ले जहां से आप अपने आप को ट्रेन करें एज एन एक्टर। बेसिकली होता क्या है कि एक्टिंग की चकाचौंध में आ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि पेपराजी हमारे पीछे आए, हम चाहते हैं कि पोस्टर पे हमारी फोटो छपे, हम चाहते हैं कि सीरियल्स में, टेलीविजन पर हम दिखें। तो ये तो रिएक्शन हुआ, एक्शन करोगे तब तो रिएक्शन हुआ। एक्शन करने के लिए आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, तब तो आप पोस्टर पे दिखोगे, तब तो आप टीवी पर दिखोगे, तब तो आपकी तस्वीरें छपेगी, तब तो पेपराजी आपको फॉलो करेगा। अगर आप एक्टर ही नहीं हो, आपको एक्टिंग आती नहीं, तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप एक अच्छा एक्टिंग कोर्स लें, जैसे कि आपने ये जॉइंट फिल्म्स का ये कोर्स दिया, इसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, सीखें, और सीखने के बाद अपने स्किल को, अपने क्राफ्ट को आप शार्पन करें। आजकल तो इतने सारे साधन आ गए हैं, मोबाइल पर अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं, आप दूसरों की वीडियोस देख सकते हैं, आप यूट्यूब से दूसरों के सीन्स देख सकते हैं, आप उसको इनैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी खुद की वीडियो बनाकर देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना बुरा कर रहा हूँ, फिर आप उसके ऊपर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपने आप को तैयार कीजिए, और उसके बाद आप आइए फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने। आप आधा अधूरा सीख कर आओगे या आपको एक्टिंग नहीं आएगी, तो आपको काम मिल भी गया तो आप कर नहीं पाओगे, तो यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए एक्टिंग कोर्स लेकर, और उसके बाद आप आइए स्ट्रगल करने के लिए। अब एक्टिंग के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे तरीके की एक्टिंग है। कुछ लोग बहुत ही लाउड और बहुत ही ओवर द टॉप टाइप की एक्टिंग करते हैं, जैसे गोविंदा है या नाना पाटेकर है, या कुछ लोग बहुत सटल एक्टिंग करते हैं, जैसे के मेनन है, या इरफान खान है, या नवाज है, मनोज बाजपेयी है। तो ये भी एक अलग स्कूल है, और ये गोविंदा वाली, ये एक सलमान, और ये एक अलग स्कूल है। वर्क सब करता है, सब चीज चलती है, आप कन्विंसिंगली क्या करना चाहते हैं। देखिए एक्टिंग क्या है, एक गुरु मंत्र बताता हूं आपको एक्टिंग को लेकर, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, और मैं बहुत बहुत आसानी से आपको एक चीज समझा देता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, मतलब आपको एक्टिंग का एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्टिंग है क्या। एक्टिंग जो होती है, फिल्म जो होती है, ये फेक होता है, इसमें रियलिटी तो कुछ होता नहीं है। तो हमको एक्टिंग करना है, यानी हमको झूठ बोलना है, कुछ फेक करना है, लेकिन वो झूठ हमको इतनी कन्विंसिंगली बोलना है, इतनी ईमानदारी के साथ वो झूठ बोलना है कि वो सच लगे। अगर आप कन्विंसिंगली झूठ बोल सकते हैं और ईमानदारी के साथ झूठ बोल सकते हैं, इतनी सफाई से आप झूठ बोल सकते हैं कि वो सच लगे, इसका मतलब आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। तरीका आपका कोई भी हो सकता है, आप लाउड हो सकते हैं, आप अंडरकरंट कर सकते हैं, आप सटल कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्विंसिंग होना पड़ेगा। गोविंदा अगर पीली पैंट पे नीला शर्ट अगर कैरी कर सकता है और आप उस बात को मान लेते हैं,
दादा कोड के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जिन्होंने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स दिए, उन्होंने सिर्फ एक ढीली सी चड्डी और एक गंदी सी शर्ट पहनकर उनकी सारी फिल्में सिल्वर जुबली दी और गिनीज बुक तक पहुंच गए। और हर फिल्म में वो एक घर के नौकर का रोल करते थे, मगर उन्होंने बैक टू बैक सिल्वर जुबलीज दी है, तो वो भी कन्विंसिंग था। दूसरे हाथ पर ये स्कूल इरफान खान मनोज बाजपेयी, ये स्कूल भी कन्विंसिंग है। बेसिकली आपको कन्विंसिंग होना पड़ेगा, तरीका चाहे कोई भी, तो अगर आप कन्विंस कर सकते हैं मतलब आप बहुत अच्छे हैं। कन्विंस कैसे करेंगे? फिर वही कहता हूँ कि आप एक अच्छा एक्टिंग का कोर्स लें, जैसे कि आप यहाँ पर ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके का आप एक अच्छा एक्टिंग कोर्स लें और अपने आप पहले सीखें, उसके बाद अपने स्किल्स को आप शार्पन करें। और अच्छा जो भी आप टीचर लें, जैसे ये जॉइंट फिल्म जिनको मैं काफ़ी सालों से, आई थिंक 2017-2018 से मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा एक अच्छा आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए और यहाँ पे आप एक्टिंग सीखिए और अपने जो क्राफ्ट है उसको आप पॉलिश करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि आप मिरर के सामने